अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ ई टू रिएक्शन। ये लेक्चर नंबर 10 है अल्काइल हैलाइड्स पे। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी ई वन रिएक्शंस की, कि बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं इसमें हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स से दो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स हमने कल भी बात की थी कि दिस इज एन अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड। अब हमने बात करनी है कि ई वन और ई टू रिएक्शंस क्यों आते हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या होते हैं। अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं दो ग्रुप जो एलिमिनेट होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन से। एडजेसेंट मीन्स एक ये वाला कार्बन है और इसके साथ जो जुड़ा वाला कार्बन है इसको हम कहते हैं, ये उसके साथ वाले कार्बन जो होते हैं एडजेसेंट कार्बन। अब जो दो कार्बन होते हैं इनमें से दो ग्रुप रिमूव होते हैं, एक जो आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होता है, कोई भी ग्रुप इसके साथ जो अटैच होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वो जो दो ग्रुप्स होते हैं एक साथ रिमूव होते हैं या स्टेप वाइज रिमूव होते हैं, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया था कि जैसे ई वन रिएक्शंस में होते हैं जो आपके पास लीविंग ग्रुप होते हैं वो पहले से लीव कर जाते हैं, बाद में जो है ना वो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। अब दूसरी जो इसकी केस आती है, अब हम बात करते हैं ई टू रिएक्शंस की, ठीक है। अब ई टू रिएक्शंस एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो लिविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन दोनों ग्रुप एक साथ एक ही स्टेप के अंदर रिमूव होते हैं, ठीक है। सो मेन डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए ई वन और ई टू में। ई वन में क्या होते हैं जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो पहले से लीव कर जाते हैं, फिर दूसरे स्टेप के अंदर हाइड्रोजन या कोई जो दूसरा ग्रुप जो एडजेसेंट कार्बन वाला होता है वो रिमूव होते हैं, जबकि ई टू रिएक्शन के केस में दोनों के दोनों ग्रुप जो होते हैं वो एक साथ रिमूव होते हैं, ठीक। अब हम आपको बताएंगे कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आते हैं ई टू रिएक्शंस तो आपने उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, कौन कौन सी टर्म्स उसमें ऐड करनी है। मैंने सारा आउटलाइन यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन लिखनी है, देन एग्जांपल, फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, मॉलिक्युलरिटी, रिएक्शन काइनेटिक्स, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और फिर नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये सारे फैक्टर्स आपने एक्सप्लेन करने जब एक पूरे रिएक्शंस को आपने आउटलाइन करने, और ये आपके जो पॉइंट्स होते हैं ये हेडिंग्स ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आपको कंपैरिजन आ जाए ई टू और ई वन। हमने ई वन में भी इन्हीं सारे फैक्टर्स की बात की थी, ठीक है। हम ई टू रिएक्शन के अंदर भी इन सारे फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शंस इन विच बोथ एटम्स ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम लीव साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप इज कॉल्ड ई टू रिएक्शंस। अब ये जो डेफिनेशन है ना पूरे मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से वो वन स्टेप होते हैं, एलिमिनेशन किस तरह से होती है, दो ग्रुप किस तरह से रिमूव होते हैं। अब एग्जाम्पल में आपके पास ये इथाइल ब्रोमाइड है और के एच के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अल्किन्स के फॉर्मेशन होते हैं के बी आर प्लस एच टू ओ। अब ये जो दो ग्रुप रिमूव किस तरह से होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है यहाँ पे बी आर है, अब ये ग्रुप की रिमूवल किस तरह से होती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की वो अंडरस्टैंड करेंगे। हमने कहते हैं कि जो बेस और न्यूक्लियोफाइल का मेन डिफरेंस क्या होते हैं, हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसको हम वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन अगर वही न्यूक्लियोफाइल बेस के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं तो हम उसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं जबकि बेस होती है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती हैं। अब इस केस में आपने बेस ली हुई है, जैसे इस केस में एग्जाम्पल के थ्रू अगर लिखें तो के वाई चुन चाहिए। और एक चीज़ आपने याद रखनी है जो कि ई टू रिएक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बेस इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, ये वाला बॉन्ड नीचे मूव करते हैं और यहाँ से बी आर ग्रुप क्या करते हैं लीव कर जाते हैं। अब हमने बात की है कि जो ई टू रिएक्शंस होते हैं वो सिंगल स्टेप होते हैं। सिंगल स्टेप का मतलब क्या होते हैं, जो दो ग्रुप्स होते हैं यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से बी आर वो एक ही स्टेप के अंदर यहाँ से क्या हो रहे थे रिमूव हो रहे होते हैं। सो ये जब नीचे बॉन्ड मूव होते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाते हैं, यहाँ से बी आर रिमूव होते हैं तो वो बी आर नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर में लिखे ना यहाँ से इसका हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और इसका बी आर कम हो जाता है, रिजल्टिंगली जो दो कार्बन होते हैं आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं लिंक करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये एक अल्कीन बन जाती है, इसको हम कहते हैं ईथीन प्लस बी आर नेगेटिव प्लस BH जो आपके पास जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। सो बेसिक आपने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, हमने डेफिनेशन में कहा था वन स्टेप एलिमिनेशन, सो दिस इज वन स्टेप एलिमिनेशन, एक ही स्टेप हुआ है और उसके बाद आपके पास क्या भी इसके प्रोडक्ट बन गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी मॉलिक्युलैरिटी की, मॉलिक्युलैरिटी में आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो ई टू रिएक्शन में तो स्टेप ही एक होते हैं तो वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो दो हैं, एक ये बेस है और ये एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं इट्स अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट, बेस है और एक अल्काइल हैलाइड है इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो इसके एक ही स्टेप होते हैं
उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, टू होती है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं ई टू रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन इट्स मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी टू है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ई टू रिएक्शन होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर रिएक्शन काइनेटिक्स की। अगर हम रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स हमें ये बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस तो रेट इसके डिपेंड करते हैं बेस और अल्काइल हैलाइड्स पे। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, इससे पहले ई1 रिएक्शंस में हमने बोला था कि जो रेट सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स पे डिपेंड करते हैं, जबकि इस केस में अगर आप कंसंट्रेशन बेस की चेंज करते हैं या अल्काइल हैलाइड्स की चेंज करते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करते हैं उसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वो अफेक्ट होगा। इसी वजह से इसको हम कहते हैं ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फिर सिक्स जो हमने इस चीज़ में स्टडी करनी है वो ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ई2 रिएक्शंस डिपेंड करते हैं। तो दो फैक्टर्स के ऊपर मेनली डिपेंड करते हैं, एक बेस और दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस उनसे वो स्ट्रॉन्ग उनसे, दूसरा पोलर सॉल्वेंट्स एंड हाई टेम्परेचर। सॉल्वेंट कोई भी लेंगे, जैसे इस केस में आपने अल्कोहल लिया हुआ, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट, और टेम्परेचर आप हाई करेंगे, इन फैक्टर्स के ऊपर ई2 रिएक्शन डिपेंड करते हैं। लास्टली हम बात करते हैं कौन से अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स की तीन टाइप्स होती हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। कौन से अल्काइल हैलाइड्स आराम से ये ई2 रिएक्शन दे सकते हैं? तो हम जब स्टडी हमें बताती है कि जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ये वाला रिएक्शंस क्या करते हैं, देते हैं। फिर ई2 रिएक्शन कंप्लीट करते हैं SN2 रिएक्शन से। इसका मतलब क्या होता है कि जो SN2 रिएक्शन के भी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, रिएक्शन काइनेटिक्स भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स भी SN2 रिएक्शन देते हैं। तो कुछ फैक्टर्स जो होते हैं ना वो ई2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के सेम होते हैं। हम कहते हैं कि ई2 रिएक्शन कम्पीट कर रहे हैं SN2 से, लेकिन SN2 रिएक्शन वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जबकि ई2 रिएक्शन आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। फर्दर अगर इस टॉपिक रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।